नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विश्व की परिवहन व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला वीडियो में जो भी डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और चलते हैं पहले प्रश्न पर। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एशिया के किस देश में सबसे लंबा रेल मार्ग है? दोस्तों, इसका आंसर रहा चीन देश। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? दोस्तों, इसका सही आंसर है 1825 में चलाई गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? इसका आंसर है दोस्तों, स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर है ट्रांस साइबेरियंस। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों, इसका आंसर रहेगा 9,932 किलोमीटर। दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग वैंकूवर को हेलीपैंक्स से जोड़ता है? दोस्तों, इसका आंसर रहा कैनेडियंस नेशनल रेल मार्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग किसे जोड़ता है? इसका आंसर रहा सिडनी को पार्थ से जोड़ता है। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को नगर से यूनेस न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर है मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व में रेल मार्ग की लंबाई सबसे अधिक किस देश में है? दोस्तों, इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर है उत्तरी अटलांटिक समुद्र जल मार्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के निर्माण से पूर्व महत्वपूर्ण जल मार्ग कौन सा था? दोस्तों, स्वेज नहर है, उसके पहले जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग था वह कौन सा था? तो इसका आंसर है कैप समुद्रीय जल मार्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जल मार्ग में जलाशय को पार करने में कितना समय लगता है? दोस्तों, इसका आंसर है 15 घंटे। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा जल मार्ग भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है? दोस्तों, इसका आंसर रहेगा स्वेज नहर जल मार्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? दोस्तों, इसका आंसर सभी जानते हैं कि स्वेज नहर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों, इस नदी का नाम है राइस नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व का व्यस्तम अत्यंत स्थानीय जल मार्ग कौन सा है? सो स्थलीय जल मार्ग कौन सा है? दोस्तों, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका का महान झील मार्ग। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? इसका आंसर है यूरोप महाद्वीप। अगला प्रश्न रहा, विश्व का पहला रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? इसका आंसर है उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।